आजकल वीडियो ऑन द टाइम नहीं आ पाएगा और इसलिए शॉर्ट्स वीडियो बनाना ज़्यादा बेहतर समझा। सो मिलता हूँ सबसे पहले दिल्ली, और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉगिंग करना है। जो भी लंबा ब्लॉग होगा वो एडिट करने के बाद आपको परसों यानी कि 19 तारीख को मिलेगा। तो आई होप यू ऑल वेल। ये छोटा सा ब्लॉग था, और अगर ट्रेन की बात करूँ तो आपको दिखा दूँ मैं। तो ये हैं हम भी, हम राजेंद्र नगर स्टेशन पर। हमारा ट्रेन का गाड़ी संख्या आप वहाँ पर देख सकते हो। अरे यार बंद क्यों हो गया है, रहने दो। ये हमारी ट्रेन है, और अंदर में अभी हम यहाँ पे हैं, जो ऑलरेडी अभी आप देख सकते हो कि इसमें पिल्लो और कंबल ब्लैंकेट वगैरह है, जो कि अभी भैया कोच अटेंडेंट जो है यहाँ अरेंज ही कर रहे हैं। हम बाहर में आ गए हैं ट्रेन के, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो थर्ड एसी की बॉगी है ये है, प्लस इसमें एक नई बॉगी अटैच की गई है, थर्ड एसी इकोनॉमी, जो कि अभी हम अंदर चल के चेक करने वाले हैं और अभी आपको दिखाते हैं कि उसके अंदर क्या क्या खास बात, क्योंकि डब्बा जो है काफ़ी ज़्यादा चमकते हुए मुझे नज़र आ रहा है। हाँ, इसमें गैप थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है, अगर सही से नहीं चढ़ोगे तो पैर अंदर जा सकता है। सबसे पहले तो इसका गेट इस टाइप का है, स्लाइडर ये कुछ अलग नहीं है। हाँ, शो करते हैं अंदर की तरफ, जो ये स्लाइडर है, क्योंकि आप ये जो इंटीरियर देख रहे हो ना, नए डिज़ाइन के हैं, लेकिन आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, इसके डब्बे भी थोड़े मुलायम है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी सीट छोटी हो गई है। सीट, हाँ, इसका जो सीट का लेंथ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा छोटा कर दिया, कर रखा है। यहाँ पे एक लैंप, यार वो तो थर्ड एसी में भी मिल रहा है, ठीक है, चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, एसी वेंट मिल जाता है, वगैरह वगैरह। और वो क्या, वो क्या है ये एसी? हाँ, ये दिया हुआ है, जो कि हर एक सीट पे, ये मिडिल सीट वालों के लिए है, ठीक है। होगी उससे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे कि भैया जो है वो ऑलरेडी कोक ले रहा है, और थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए कुरकुरे वगैरह। कितना लिया हमें इसका? बात ऐसी है, अब टाइम हो चुका है ट्रेन में बैठने का, क्योंकि हम घूम घूम कर पक चुके हैं, और कुछ स्नैक्स लिए गए हैं रास्ते में चलने के लिए, तो इसी के साथ अब आइए चलते हैं। सो अंदर जाओ, और जाने के बाद अब हमारा जो सफ़र है स्टार्ट होता है, साथ ही जो हम अपने होम टाउन है पटना, इसको छोड़ने वाले हैं अब इस ट्रेन को। सो जय हिंद, जय बिहार। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सॉरी गाइज, आज का वीडियो जो है वो काफ़ी थोड़ा सा छोटा है, इसलिए तब तक ले, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।